देखिए चीपू सर अपनी ब्लॉग बना रहे हैं शेर के साथ में, तो जिससे कुछ खाने के लिए लेके आए हैं जैसे नमकीन है बिस्किट है, तो आपने सर फेंकना नहीं है रैपर, अच्छा, आपने अच्छा। गाड़ी पे रैपर रखना है जी बिल्कुल। बहुत अच्छा लग रहा है सर के साथ में आज, और ये दांत इसके देखिए आप बहुत अच्छे बहुत गजब कितना यार कहना मानते हैं काम कराते हैं इनसे, ये देखिए। सो हे गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग, आप लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे मस्त होंगे अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और दोस्तों मैं भी स्वस्थ हूँ अपने काम में व्यस्त हूँ। और दोस्तों आज की खुशी कुछ अलग है, जब कोई छोटा यूट्यूबर अपने से सीनियर यूट्यूबर बड़े यूट्यूबर से मिलने के लिए जा रहा होता है तो उसके अंदर क्या खुशी होती है वही जान सकता है, और सिर्फ एक यूट्यूबर ही समझ सकता है ये सब बातें। आज मैं मिलने जा रहा हूँ अपने थोड़ी 50 किलोमीटर दूर पे हमारे चिप्पू जायसवाल जी हैं और बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं और बहुत अच्छी ब्लॉग बनाते हैं, मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ, बहुत खुश हूँ। आज उनके साथ में दुधवा टहलेंगे हम लोग, सफारी बुक करेंगे और अंदर टहलेंगे, सब दिखाएंगे ब्लॉग में, बने रहिए दोस्तों, मिलेंगे तब भी दिखाएंगे। दोस्तों फाइनली वो घड़ी आ गई है जो मैं बोल रहा था ना, चिप्पू सर से मुलाकात मेरी होगी और यहाँ हम लोग आ गए हैं दुधवा नेशनल पार्क और यहाँ पर हमारे चिप्पू सर हैं। और एक और खुशखबरी है, पवन भाई भी मिले हैं, वो भी ब्लॉग बनाते हैं और मैं दोनों लोगों से मिलाऊंगा, और हमारे मित्र तो मेरे साथ में लगातार बने हुए हैं और देखिए हमारे सर हैं, दिल में बहुत ज़्यादा खुशी है आज मुझे। बढ़िया हैं सब लोग, तो भैया आज हम लोग आए हैं सर्वेश पलिया ब्लॉग के साथ में घूमने दुधवा नेशनल पार्क, तो हमारा भी वीडियो शूट हो रहा है, भैया का वीडियो शूट हो रहा है, सब लोग देखिएगा जरूर, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, भैया को सपोर्ट करिएगा, ठीक है सर। तो हम लोग साथ में चलते हैं अभी दुधवा नेशनल पार्क के अंदर, वहाँ देखते हैं जो कुछ होता है आपको दिखाते रहते हैं, ठीक है। आइए पवन भाई भी, आप भी आइए, और आज आप लोग आए हैं, आज हम भी भैया के साथ में, चीपू भैया हैं पीछे और हम आए हैं साथ में, अभी सब हम लोग घूमेंगे। हाँ जी सब लोग मिलके घूमेंगे, बहुत सारी मस्ती करेंगे हम लोग और साथ में भी वीडियो बनाएंगे, देखते रहिएगा वीडियो। दोस्तों आज मैं बहुत खुश हूँ और हम लोग अब चल रहे हैं अंदर, सफारी बुक करेंगे, उसके बाद में अंदर का नज़ारा दिखाते हैं, ब्लॉग में बने रहिए कहीं मत जाइएगा दोस्तों। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं दुधवा नेशनल पार्क में और लमसम 2 बजे का टाइम दे रखा है इन्होंने सफारी बुक करने का, 2 बजे सफारी बुक होगी फिर हम लोग आगे चलेंगे, तब तक के लिए इंतज़ार करते हैं। नहीं थी हम लोगों को जानकारी लेकर आना चाहिए जी, जी, जी। 2 बजे आना है आपको, ठीक है पहले नहीं आना है। अब हम लोग 2 बजे तक यहीं घूमते हैं तब तक, और 2 बजे बुक करते हैं सफारी। दोस्तों जंगल सफारी बुक करने के लिए कार्यालय से एक आपको फॉर्म मिलेगा, उसको भरना पड़ेगा, और जो देखिए मैं भर रहा हूँ अपने 4 साथी थे, हम लोग चारों का नाम उम्र और सबका एड्रेस सब भरा जाता है बढ़िया से, और फॉर्म फिल करके भर के कार्यालय में जमा हो जाता है, उसके बाद में हमको रसीद मिल जाती है और फिर आगे हम अपनी सफारी के पास पहुँचते हैं। दोस्तों हम लोग कार्यालय में हैं, यहाँ पर हमारा सफारी बुक हो रही है और फॉर्म जमा हो चुका है, अभी बुलाया जाएगा मुझे, आधार कार्ड वगैरह ले लिया गया है, और बने रहिए ब्लॉग में। दोस्तों सफारी बुक नहीं की है अभी लेकिन शुरुआत हो गई है, आप लोग देख सकते हो सामने हिरन टहल रहा है और ग्रुप के साथ ही आगे निकल चुके हैं इसके, और बहुत अच्छा दिख रहा है ये देखिए, हाँ रोड क्रॉस कर रहा है इसमें। हाँ आजा वापस आजा भाई, बहुत ही निडर होते हैं क्योंकि हम लोग इनकी एरिया में घूमने के लिए आए, ये नेशनल पार्क है। देखिए दोस्तों एक साथ में 4-5 के झुंड में हैं, और चलिए म्यूजियम दिखाते हैं आप लोगों को, मेरी पिछली ब्लॉग में भी म्यूजियम मैंने दिखाया है, आज भी चलिए ये देखिए सैनी अपने 2 बच्चों के साथ में है, और इधर दोनों सारस आप लोग देख पा रहे हो, ये पड़ी हैं यार इसमें, ये शेर खा गया इनको सबको, यही शेर खा गया होगा, नहीं की पड़ी हुई है बहुत है सिंह यार, वाकई यार नई नई चीज़ देखने को मिली यार। देखिए चिप्पू सर अपनी ब्लॉग बना रहे हैं शेर के साथ में, हम लोग इस समय म्यूजियम में घूम रहे हैं, ये देखिए हमारे चिप्पू सर भी ब्लॉग बना रहे हैं और हमारे मित्र भी साथ में लगे हुए, और पवन भाई भी साथ में लगे हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है। और दोस्तों ये देखिए हाथी के दांत और ये खाने वाले दांत आप लोग देख सकते हो, ये सब शीशे में बंद हैं, और हमारे चिप्पू सर भी बहुत मेहनत कर रहे हैं इसमें, और म्यूजियम टहल रहे हैं हम लोग हैं,
दोस्तों आज बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब म्यूजियम तो मैं पिछली ब्लॉग में दिखा सक चुका हूँ, आप लोग देख लीजिएगा जाके अगर नहीं देखे हैं तो। मैं आज इसलिए खुश हूँ क्योंकि चीपू सर के साथ में घूम रहा हूँ और पवन भाई के साथ में घूम रहा हूँ। ये सब मैं धन्यवाद देता हूँ यूट्यूब को, जो यूट्यूब की फैमिली कुछ अलग होती है, उसका प्यार अलग होता है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद यूट्यूब। दोस्तों हम आ चुके हैं अपने सफारियों के पास, हमारी सफारी भी 2600 नंबर है और इसी में कोई एक है, अभी ढूंढ लेते हैं अपनी सफारी कहाँ पे है। सब खड़ी हुई हैं, आगे हम लोगों की सफारी है और हमारे गाइड हरी सिंह जी हैं, अभी उनसे भी मिलवाते हैं। हमारे गाइड हरी सिंह जी हैं और आज यही घुमाएंगे हमको, हाँ दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, थैंक यू सर। दोस्तों हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं सफारी में और ये देखिए हमारे चीपू सर, पवन भाई और ड्राइवर साहब हैं, हरी सिंह गाइडनर आगे बैठे हुए हैं और ये हमारे मित्र साथ में बैठे हुए हैं। हम लोग पीछे वाली ऊंची वाली सीट पे बैठे हुए हैं और अभी हम लोग चल रहे हैं, सारी सफारी सब एक लाइन से सब खड़ी हुई हैं। हमारे गाइड हरी सिंह जी गए हैं वहाँ, कुछ फॉर्मेलिटीज अदा करनी है और एंट्री देनी है कि हम लोग इतने लोग जंगल में जा रहे हैं। दोस्तों लाइफ में पहली बार मैं नेचर की दुनिया में कदम रख रहा हूँ, दुधवा नेशनल पार्क, जबकि मेरे पास में ही था, कभी मैं नहीं गया था। आज मैं पहली बार अंदर एंट्री ले रहा हूँ, देखिए गेट खुल चुका है और हम लोग अंदर जा रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। ये जो दिख रहा है जंगल यार जबरदस्त सर, वेलकम टू दुधवा नेशनल पार्क। देखिए हम लोग गाइड बता दें आप, जैसे आप लोग जैसे कुछ खाने के लिए लेके आए हैं, जैसे नमकीन है, बिस्किट है, तो आपने सर फेंकना नहीं है रैपर, अच्छा, आपने गाड़ी पे रैपर रखना है जी, बिल्कुल। और जैसे सर जैसे आप लोगों को वॉशरूम अगर करना है तो जो हमने स्टॉपर्स बनाए रखे हैं सर, तो आपने वहीं पे वॉशरूम करना है। अभी जगह मतलब निश्चित है, आप वहीं करेंगे। हाँ जी हाँ जी। बाकी जैसे अदर हम जैसे एनिमल्स दिखाने के लिए अगर गाड़ी रोक रहे हैं तो आपने उतरना नहीं है सर। अच्छा अच्छा, सेफ नहीं रहोगे जी जी, गाड़ी से नीचे नहीं उतरना है किसी को, ये सेफ्टी है क्योंकि सर कोई भी जानवर कहीं पे भी जी अटैक शिकार करने के लिए हादसा हो सकता है। जी जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी। आप लोगों ने सर स्मोकिंग नहीं करना है जी, ठीक है सर, आप स्मोकिंग नहीं कर सकते, स्मोकिंग कोई नहीं करता है, शुद्ध शाकाहारी जी सर। और सर आप लोगों ने शोर ज्यादा नहीं करना है क्योंकि जो जानवर दिखने वाला होगा जी, बिल्कुल शोर तो बिल्कुल नहीं होगा, थोड़ा बोल सकते हैं। मेरा नाम सर हरी है, थैंक यू सर। ये देखिए छोटी लाइन है मैलानी टू बहराइच, जंगलों के बीच से गुजर के जाते हैं। नजारा है जंगल का, दुधवा नेशनल पार्क, नेचर है सर, प्राकृतिक का बना हुआ नेचुरल जी, एकदम बहुत बढ़िया। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यार, वाकई मेरे पड़ोस में है तब भी फर्स्ट टाइम आया हूँ। में बॉम्बी बोल रहा हूँ, बॉम्बी बॉम्बी की बॉम्बी लगी। ये सर भालू का बेस्ट फूड रहता है। अच्छा भालू खाता है इसको? हाँ जी। ये नहीं तो नॉलेज होगा आपको, इसमें फूल भी निकलते हैं ना, धरती के फूल निकलते हैं, वो पता है। हाँ जी हाँ जी, फूल भी इसमें निकलते हैं। अब यहीं से देखिए गाड़ी घूम, सर्दियों में सर ये टर्माइट हाउस गर्म रहता है, अच्छा, और गर्मियों में ये सर अंदर से ठंडा रहता है, एयर कंडीशनर है और वाटर प्रूफ भी सर रहता है। बारिश चाहे जितनी हो जाए सर, पानी इसके अंदर नहीं जाता, जंगल के रूट मेंटेन किए जाते हैं। अच्छा अच्छा। बाकी 15 नवंबर से ये ओपनिंग होता है और 15 जून को ये क्लोज हो जाता है। अच्छा, 15 नवंबर से ओपनिंग होती है, 15 जून तक चलती रहती है। सर उधर बारिश होती है ना, जो देख रहे हैं हमारे व्यूअर्स अगर आना चाहते हैं तो ये भी आपको इन्फॉर्मेशन। बाकी सर ये सेंटर ये, हाँ हाँ, इधर थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं प्लांटेशन है, बाकी नेचुरल हैबिट है यहाँ का जी जी। और अब तो सरकार ने इसको बैन कर दिया है क्योंकि ये सर नमी बहुत खींचता है। हाँ ये सही कहा आपने, क्योंकि खेतों में लगाने से नमी बहुत बंजर कर देती है। उधर गया तो काफ़ी जानवर मिलने, काफ़ी उत्साह है यार। चीपू सर हमारे खड़े होके ब्लॉग बना रहे हैं और देखिए हम लोग बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आज तो, बहुत अच्छा लग रहा है। ऑक्सीजन की बात की जाए तो यहाँ पे भरमार है ऑक्सीजन की। हाँ जी हम इनके साथ में हैं आज, इतना ध्यान रखिएगा, लाइक जरूर करिएगा। तो भैया को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जितना ज़्यादा हो सके यार सब लोग भैया के चैनल को शेयर ज़रूर करें। और आप लोग भी आ सकते हो घूमने के लिए, यहाँ सफारी का जो आनंद है आप ले सकते हो। हम लोग इस समय चल रहे हैं राइनो एरिया में और यहाँ पे जो ये बिजली के झटके के तार लगे हुए हैं, क्योंकि इसके झटका इसलिए दिया जाता है कि जानवर इस एरिया में ही रहें, उससे बाहर ना निकलें। और इस एरिया में देखने को मिल सकता है हम लोगों का जंगल का शेर।
चढ़ाई के बाद खलियाई, खलियाई के बाद चढ़ाई, फिर चढ़ाई, यही सब चलता रहता है जंगलों में। ये लकड़ी का जो पुल है, हम लोग इससे क्रॉस कर चुके हैं और राइनो एरिया में कहीं भी शेर दिख सकता है। हम लोग बहुत इंतजार में हैं, आंखें यही देख रही हैं कि कहीं पे देखने को शायद मिल जाए। हम लोग आ चुके हैं टाइगर ग्रासलैंड में, यहाँ पे टाइगर शिकार वगैरह करते हैं। और ये जो ग्रास आप लोग घास देख रहे हो, घास अपने देहाती भाषा में हम लोग घास बोलते हैं इसको, यहीं पे टाइगर अपना शिकार करता है। यहाँ पे वॉच टावर देखने को मिला है, ये देख लीजिए आप लोग दोस्तों। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो बनाया हुआ कुआं है, ब्रिटिश ने बनवाया था, ये देखिए हम लोगों को जंगल के बीच में मिला है। और हम लोग नीचे नहीं उतर सकते क्योंकि जो हमारे गाइड सर ने बताया है कि हम लोग नीचे नहीं उतर सकते, नीचे से नहीं दिखा सकते। लेकिन आप लोग देखिए, ये भी एक अद्भुत दृश्य है। जो चौराहे पे बॉम्बी है, बॉम्बी चौराहा, इसको बॉम्बी चौराहा भी बोल सकते हैं क्योंकि चारों तरफ रास्ता गई हुई है और बीच में बॉम्बी बनी हुई है। बहुत ही दोस्त अच्छा लग रहा है, ये सौभाग्य है हमारा। हमने अपने पिछले ब्लॉग में बताया था कि आप लोग प्यार दुलार मेरे वीडियो पे बनाओगे तो सफारी ज़रूर बुक करेंगे। दोस्तों, आप लोगों का प्यार हमारे लिए सब कुछ है और हमने फाइनली सफारी बुक की है। और वो भी इतने भाग्यशाली हैं, अपने सीनियर यूट्यूबर के साथ में घूम रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। हम लोग सभी लोग सफारी पर खड़े होके ही अपना टूर कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। नेचर का आनंद पूरा ले रहे हैं और ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो सर भरमार है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह पे आज हम लोग घूम रहे हैं और यहाँ की जलवायु बहुत उत्तम है और यहाँ के जो जानवर हैं बहुत साफ सुथरे, मतलब बहुत ही तगड़े तंदुरुस्त पाए जाते हैं। और अभी हम लोगों ने हिरन वगैरह देखा है और शेर का इंतज़ार है दोस्तों। शेर जब दिखेगा दिखाएंगे आप लोगों को। संगत का असर हो गया दोस्तों। यहाँ पे एक आम का पेड़ दिखा है हम लोगों को, बिल्कुल बराबर चला गया है। और पड़ोसी सीधा है तो आप ऑटोमेटिक सीधे हो जाओगे, इसी तरीके से वो भी आम का पेड़ भी बहुत सीधा गया है। ये सर टाइगर का एरिया 10 से 12 किलोमीटर तक का। ये टाइगर ने देखिए यहाँ पे अपने पंजों से निशान बना दिए हैं, मार्किंग कर दिए हैं कि भैया यहाँ पे आना आपके लिए खतरा है। दोस्तों, हम लोग जंगल के बीच एक मचान से ये देखिए कितना अच्छा व्यू आप लोगों को दिखा पा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। भाई ये भी किस्मत तेज है हमारी, जो दूरबीन से देखने को मौका मिला और बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा है यहाँ से। और व्यूअर्स को दिखाओ यार। नहीं, व्यूअर्स को तो दिखा ही रहे हैं लेकिन कुछ दिखा नहीं। वॉच टावर पे काफी लोग थे यहाँ पे, देखिए सब ये पर्यटक हैं सब लोग। देखिए हेलो करो सब लोग भैया। हेलो हेलो। देखिए यहाँ पे जिनॉन और जिप्सी, ये सभी प्रकार की सफारी देखने को मिली क्योंकि ये थोड़ी सी सेफ एरिया है। यहाँ पे गाइड ने हम लोगों को गाड़ी से उतरने की इजाज़त दे दी और हम लोग इस मचान पे गए थे। ऊपर ऊपर से भी नज़ारा दिखाया आप लोगों को, बहुत अच्छा लगा। अब हम लोग फिर अपने सफारी में बैठने जा रहे हैं और आगे चलते हैं। ब्लॉग में बने रहिए दोस्तों। शेर मिले ना मिले लेकिन मज़ा बहुत आ रहा। हाँ, एक शेर आपके साथ में है यार। और एक शेर आपके साथ में एक नहीं आप यार। अच्छा अच्छा, चीपू सर शेर से कम थोड़ी ना है। हाँ, लेकिन कह रहे हैं डर जाएंगे। बहुत खूबसूरत नज़ारा है, देखिए बहुत ही ग्रीन, जिसको बोलते हैं हरी घास, हरी घास जंगल में है। और जंगल आप लोग देख ही सकते हो। आज मैं लाइफ में फर्स्ट बार यहाँ पे घूम रहा हूँ जबकि मेरे पास में ही है, लेकिन ये सौभाग्य आज प्राप्त हुआ मुझे। ये हम लोग हाथियों के एरिया में घूम रहे हैं इस समय। हरी सर ने सही कहा है, हरी हमारे गाइड हैं
और उन्होंने बताया कि जितना डर शेर से नहीं उससे ज़्यादा डर हमको हाथियों से है, और हाथी दौड़ाएंगे तो भाई तो खड़े रहते हैं हाँ। और हम लोग ले जाते हैं गाड़ी तो वो तो ग्रास से छिपे रहते हैं जी जी, एकदम से चार करते हैं, उनकी आवाज़ भी खतरनाक होती है। दोस्तों यहाँ पे एक बिस्कपड़ा देखने को मिला है, हमारे मोबाइल में बढ़िया से नहीं आ पाया है लेकिन बहुत ही पुराना है। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का स्टेशन है जो आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ, मैं नीचे तो नहीं जा सकता उतर के, और अब बंद हो गया है। अब हम लोग आगे चलते हैं, पीछे भी देखिए एक सफारी आ रही है, ये देखिए मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है देखने को मिला, लेकिन हम लोग यहाँ रुकेंगे नहीं ज़्यादा देर, भड़क गई तो हम लोग परेशान हो जाएंगे। ये पलिया को जा रही ट्रेन छोटी लाइन है, और ये बहराइच गोंडा भर उधर से आई हुई है गोरखपुर से। अब पीछे देख सकते हैं आप सफारी आ रही है एक। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं सोनारीपुर रेंज में, और यहाँ पे ब्रिटिश काल के जो बिल्कुल गेस्ट हाउस बने हुए हैं और नेचुरल बने हुए हैं, आप लोग देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ जंगलों के बीच में। अच्छा वाइट वाइट वाला जो दिख रहा है वो गेस्ट हाउस है वहाँ पे, अभी ले चलेंगे वहीं पे। यहाँ पे शहीद स्मारक का रेंजर साहब थे सुरेश दत्त जी जी, टाइगर ने उनको अटैक किया। अच्छा, टाइगर के हमले से मारे गए थे तो उनकी स्मारक बनाई है यहाँ पर रेंजर साहब थे, और फॉरेस्ट गार्ड थे अर्दनी सिंह, वो तो उनका हार्ट अटैक भी पानी वगैरह। सर हम लोग जा रहे बाग। अच्छा, शेर अटैक किया था जो पहले ये वाला जो ब्रिज था हाँ जी, ये वाला पहले सर लकड़ी का हुआ करता था। अच्छा, वो क्रॉस कर रहे थे। अच्छा, अटैक किया था, ऑन स्पॉट मार दिया था वहीं पे। ये वो जगह है जहाँ रेंजर साहब पर शेर ने अटैक किया था और उनको मार दिया था, उनकी स्मृति मैंने वहाँ पे दिखाई, वहाँ पे बनी हुई है। और हम लोग इस खतरनाक रोड पे चल रहे हैं, इस एरिया तो पूरी ही खतरनाक है दोस्तों, लेकिन हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं। कुछ यादें हैं रेंजर साहब, 1985 की बात है, 1985 की। इसके बाद अभी तक कोई हादसा नहीं हुआ है। बड़ी लापरवाही, जून की कड़ाकी जब गर्मी होती है तब इस पत्ती के पत्तों से ओस टपकती रहती है। ये कितना बड़ा पेड़ है और इसकी जो इतनी नमी रहती है इस पेड़ में, और इसकी जो स्किन है देखो मगरमच्छ से मिलती है, टायर होने तो काफ़ी अच्छा लगा यार। यार ये सब हमने पिक्चरों में देखा है, मूवियों में। दोस्तों हम लोग फुल ऑक्सीजन के साथ में घूम रहे हैं, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे हो रही, बहुत ही जैसे पहाड़ों पे जब जाते हैं, जैसे कैलाश पर्वत जाओ आप तो थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं सलूकापुर चौकी, यहाँ बहुत सारे हाथी देखने को मिले हैं, और आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी मिलेगा। जो हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ब्लॉग अपनी यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।